देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज हिंदी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं सुजीत कुमार और आज आपको लखीसराय की उन खबरों को दिखाने जा रहे हैं जिन खबरों से आपको प्रत्यक्ष जानकारी हो जाएगा कि काम क्या है। ये आप साफ देख सकते हैं कि महिसोना पंचायत के मुखिया आज कहीं ना कहीं घाट की सफाई करने को लेकर घाट पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि ये लोग घाट की साफ सफाई करने को लेकर तैयार है। ये वैसे मुखिया हैं जिनके बारे में यहाँ के लोग कहते हैं कि भाई ये मुखिया कहीं ना कहीं अपना श्रम दान करके आज घाट बनाने का काम कर रहे हैं। मैं यहाँ के कुछ लोगों से जानना भी चाहा, उन लोगों ने बताया भी कि हाँ भाई, वास्तविकता यही है कि यही ये पंचायत का मुखिया है जिसे आप उजले पोशाक में देख रहे हैं। ये कोई और नहीं बल्कि हमारा मुखिया ही है। हम लोगों के साथ में कहीं ना कहीं श्रम दान करने के लिए हम लोग के साथ पहुंचे हुए हैं। पहले इन्होंने रास्ता बनाने का काम किया, अब रास्ते पर जब मतलब कि लगा कि हाँ भाई चलिए सुचारू हो गया, यानी कि यहाँ पर लोग जाने के लायक हो गए हैं, तो आगे आकर के आगे का जो पथ है जो मतलब कि लोगों को लगेगा कि हाँ भाई चलने में दिक्कत होगी, तो उनको बनाने का इन लोगों ने काम किया। मैं आगे का और नजारा दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरीके से ये लोग आगे चल करके घाट की भी साफ सफाई करेंगे। घाट की साफ सफाई करने के बाद किस तरीके से लोगों को कहीं ना कहीं आने जाने वाला जो सुगम मार्ग होगा उसको लेकर के ये अपना काम करेंगे। अब ये नजारा ठीक आप देखिए घाट पर का आपको दिखाने जा रहे हैं। घाट पर भी देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 कुल मिलाकर के 15 लोग इधर, एक लोग उधर जो रास्ते को बनाते हुए आ रहे थे, वो भी आप नजारा देख सकते हैं कि वो भी व्यक्ति आगे का रास्ता क्लियर कर रहे थे कि भाई आने वाले छठ में कहीं ना कहीं पर्वतियों को कहीं दिक्कत ना हो। इधर का नजारे को आप साफ देख सकते हैं कि ये लोग अब इस टीले को काट कर कहीं ना कहीं लोग जो डाला रखने का काम करेंगे उसे बनाने का काम कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ठीक इसी बीच में वो उजला पोशाक भी शामिल है जिसे लोग यहाँ का मुखिया बता रहे हैं, यहाँ का प्रतिनिधि बता रहे हैं, इन लोगों के साथ काम करने को आज तैयार है। घाट की सफाई भी अच्छी तरीके से है। पता चला है कि कुछ दिनों पहले इन लोगों ने घाट की सफाई भी की थी, कहीं किसी प्रकार की कोई गंदगी वगैरह नहीं है। घाट में आपको इधर जब नज़ारा देखेंगे नदी का तो पानी भी बहुत सुचारू है, बहुत अच्छे तरीके से लोग यानी कि अपना जो जल अर्पण सूर्यदेव को करेंगे वो कर पाएंगे। यहाँ के एक दो लोगों से मैं जानना चाहूंगा कि अगर घाट जब बंद करके तैयार हो जाता है तो किस तरीके का नजारा होगा। आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं और इनसे हम जानेंगे कि क्या एक बात बताएंगे। भाई सुनिए ना, आप ही कौन बोल रहे हैं, ये बताइएगा। आपके पीछे में देखिए, जस्ट पीछे में उजला पोशाक वाला ये कौन है? ये हमारे पंचायत के मुखिया जी हैं। आपके पंचायत के मुखिया है, क्या नाम है इनका? विपिन कुमार। तो ये कुदाल उदाल लेकर के क्या कर रहे हैं? घाट की सफाई कर रहे हैं। घाट की सफाई कर रहे हैं जी। और ये कहाँ कहाँ से? अभी तो सुने थे कहाँ रास्ता कर रहे थे, अभी यहाँ कर रहे हैं, क्या मतलब कि ये दिन भर का इतना नहीं देंगे आज क्या? हाँ, जब तक घाट का सफाई नहीं हुआ तब तक हम लोग चैन से बैठेंगे नहीं। जब तक घाट की सफाई पूरा कर लेंगे तब हम लोग चैन से। घाट साफ सुथरा अच्छा लगता है कि साफ सुथरा बना हुआ है, उसके बाद पानी भी देखते हैं परिपूर्ण है। भाई जरा सा आपसे हम जाना चाहिए। भाई सुनो ना भाई एक मिनट सुनिए। अरे भैया हम देख रहे सुनो तो पहले एक मिनट, तुम्हारे कुदारी हम समझ रहे हैं, एक बात बताएंगे। पीछे में जो आपका एक आदमी है ये उजला पोशाक है, उसके बाद और मतलब मुखिया जी है। ये मुखिया जी है, तो ये क्या कर रहे हैं? पंचायत का मुखिया जी। आपके पंचायत का मुखिया है तो ये घाट की सफाई में आप लोग का योगदान दे रहे हैं, श्रम दान करें। क्या नाम हुआ? अरे सुनो भाई, क्या नाम? जितेंद्र हुआ। क्या? जितेंद्र। जितेंद्र हुआ। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि जब मैंने इन पर दबाव डाला कि भाई बताओ कौन है, तो उन्होंने कहा कि भाई ये हमारा पंचायत का मुखिया ही है। हम जरा सा आगे आ जाओ, इनसे भी मतलब कि हम जानना चाहेंगे कि क्या स्थिति है। थोड़ा सा आगे आइए आप। भाई क्या नाम हुआ आपका? थोड़ा सा अपना नाम आप बताएंगे हमको। क्या बोले? मुन्ना कुमार। अच्छा मुन्ना जी, एक बात बताएंगे, इसी बीच में मतलब कि एक व्यक्ति भी आप लोगों के साथ में काम करे, कौन है? झूठ तो नहीं बोल रहा ना? नहीं, कोई ठिकाना है कि भाई हो सकता है कि डर से भी आप हमारा माइंड देखे, क्या हो सकता है? भाई मुखिया है, चार साल से जान रहे हैं। चार साल से जान रहे हैं, बखूबी चेहरा पहचानते हैं। वाह, बहुत अच्छी बात है, यानी आप लोग के बीच में आज श्रमदान करने का काम कर रहे हैं। क्या लगता है भाई, ऐसा आदमी चाहिए या फिर आउट होना चाहिए? नहीं, ऐसा ही चाहिए, क्योंकि ये श्रम दे रहे हैं, योगदान दे रहे हैं। एक आदमी से और मैं जानूंगा कि सच्चाई क्या है, क्या सच में वास्तविकता में यही वो मुखिया है जो श्रम दान करे। अरे भैया हमारा तो पेंटवा कम से कम गंदा कर दीजिएगा, आप लोग तो पक्का है। क्या नाम हुआ आपका? हरे राम राम। सुनते हैं कि मुखिया जी के साथ में बहुत रहते हैं आप। बहुत
ये चार साल से हमारे मुखिया जी। पहले एक बात हमको बताइए, मुखिया जी आज क्या कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे अपना समाज सेवा में लगे हुए हैं। इधर देखा जनता लोग के सफाई में सभा समाज सेवा है। नेतागिरी इनके पास नहीं है, नेतागिरी नहीं है, नहीं समाज सेवा है, कर रहे हैं। देखो घाट के सफाई हर साल के भांति इस साल भी कर रहे हैं, चार साल से लगातार करते आ रहे हैं। और गंगा स्नान भी हमारे पंचायत में सात गांव पड़ता है, महसोना पंचायत में सातों गांव के हमारे पर्वती लोग सबको गंगा स्नान करवाते हैं। चलिए मैं आपसे बाद में जानूंगा, हो सकता है कि आप सच्चाई भी छुपा रहे होंगे। एक बात बताएंगे, अभी इन्होंने बताया है कि इस पंचायत से गंगा स्नान करवाने को लेकर के मुखिया जी कहीं कोई गाड़ी वगैरह भी खोले थे क्या? हाँ, गाड़ी करीब 40 को गाड़ी था और वहाँ पर घाट पर 2-3 हजार प्रवेशी थे और सबको पूरी बुनिया और सब्जी भोजन करा के रवाना किया। अच्छा अच्छा, तो आपके पीछे जो मतलब ये है जो मुखिया जी आज यहाँ भी काम कर रहे हैं, वहाँ भी आप लोगों की मदद की। हाँ, तो क्या चाहते हैं ऐसा व्यक्ति आप लोगों के बीच में होना चाहिए? बहुत अच्छा रहे और करते आ रहे हैं चार साल से ही। गंगा स्नान 3 हजार प्रवेशियों को हर साल चार साल से करा रहे हैं लगता है। बहुत बहुत मैं इन लोगों का धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने बिना निफिट यानी कि जिसे कहते हैं निडर होकर के हमारे सवालों का जवाब इन लोगों ने दिया और बताया कि इस बीच में जो व्यक्ति जो उजला पोशाक में है ये कोई और नहीं बल्कि हमारे पंचायत के मुखिया है। मैंने इस पंचायत से अलग हट करके एक व्यक्ति से पूछा, उन्होंने बताया कि नहीं भाई ये लगातार अपना श्रमदान कहीं ना कहीं छठ पूजा में लोगों को देने का काम करते हैं। मैं सुजीत कुमार, लखीसराय जिला से।